हेलो, वेलकम टू थ्योरी अनप्लग्ड। सो इसके पहले वाले सेशंस हमने कंस्ट्रक्टर देख लिया। कंस्ट्रक्टर के तीन टाइप है मेजर। सो फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और थर्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो पहला टाइप हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख, अब आते हैं सेकंड टाइप पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो पॉइंट नंबर वन, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट वेरी क्लियर, ये क्या है? स्पेशल मेंबर फंक्शन है। अब क्यों है? क्योंकि पता है, क्योंकि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, इसलिए वो मेजर क्या कहते हैं उसको, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। सो पॉइंट नंबर टू, सो एज कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज नेम सेम एज क्लास। तो वेरी क्लियर, हमने कहा था कि स्पेशल है। अब क्यों है? क्योंकि क्लास का नाम और फंक्शन का नाम दोनों सेम है, इसलिए उसको कहेंगे कंस्ट्रक्टर, ठीक। सो पॉइंट नंबर थर्ड, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज सिंपली मींस कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम आर्गुमेंट भेज सकते हैं, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट, अगर आपको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पहचानना है तो समझना क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम रहेगा तो वो कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के जो कंस्ट्रक्टर रहेगा उसके साथ अगर पैरामीटर्स है, आर्गुमेंट्स है, तो वो कहलाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो इट्स वेरी क्लियर। सो पॉइंट नंबर फोर, दैट इज डेफिनेशन। सो कंस्ट्रक्टर दैट कैन टेक आर्गुमेंट्स इज कॉल्ड एज पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। सो डेफिनेशन मोस्ट ऑफ टाइम आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जो टेक्स, मतलब वो लेता है आर्गुमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो इट्स वेरी क्लियर, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर फोर। सो देखते हैं एक सिंपल बेसिक एग्जांपल ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड pony.h, ठीक है। हमने हमेशा ही दो लाइब्रेरीज का हिडन फाइल्स का यूज किया है, सो iostream.h, pony.h। सो क्लास सैंपल, तो यहाँ पे दिस इज माई क्लास नेम, दिस इज माई क्लास नेम int xy, ठीक है। दिस इज माई प्राइवेट वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है कि पब्लिक की प्राइवेट हो, यहाँ पे नहीं किया तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। दिस इज पब्लिक, अब पब्लिक में हमने फंक्शन लिखा हुआ है तो इसका नाम दिया है सैंपल। देखो क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम है, साथ में आर्ग्यूमेंट्स, तो दिस इज वी कॉल्ड एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, विद आर्ग्यूमेंट्स, इसका हो जाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। int a int b, ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट्स हमने भेजे हैं। सो a के थ्रू x सेट होगा और b के थ्रू y सेट होगा, ठीक है, a के थ्रू x सेट होगा और b के थ्रू y सेट होगा। सो दूसरा फंक्शन लिखा show xy, अब जो x और y की वैल्यू सेट हुई वही हमको शो करनी है, तो दिस इज माय डिस्प्ले फंक्शन बोल सकते हैं, show xy। तो cout x इक्वल टू x, क्योंकि ये हमारा जो वैल्यू आएगी इसमें, तो ये इसमें आ जाएगी, तो cout y, दिस इज ये वाई वाली वैल्यू जो सेट होके आएगी, तो दिस इज ये यहाँ पे और दिस कैन बी दिस यहाँ पे, और ये हमारा क्लास क्लोज, ठीक है। क्लास क्लोज का समय सेमीकोलन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब वेरी वेरी क्लियर हो गया कि क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम, साथ में आर्ग्यूमेंट रहा तो वो हो जाएगा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। सो वॉइड मेन, वॉइड मेन सीलर सीयर, ठीक है, सैंपल क्लास, ठीक है, दिस इज माई क्लास, ठीक है, क्लास के सामने लिखा है एस करके, तो दिस इज माय ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में दो आर्गुमेंट भेजे, ठीक है, 10, 20। अब जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, जिस टाइम ऑब्जेक्ट बनेगा उस टाइम क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टर रन होगा, ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट करता है वैसे कंस्ट्रक्टर होता है, तो वो देखेगा कि कंस्ट्रक्टर हमारे इसमें है क्या, तो इसमें कंस्ट्रक्टर है, अब वो देखेगा साथ में आर्गुमेंट वाला है तो दो ही आर्गुमेंट चेक करेगा, अगर तीन आर्गुमेंट रहेंगे तो तीन वाला रन होगा, तीन वाला बराबर आइडेंटिफाई होगा, तीन वाला रन होगा। अब यहाँ पे दो आर्गुमेंट है इसलिए वो दो आर्गुमेंट यहाँ पे आएंगे, इसमें 10 आएगा, इसमें 20 आएगा, तो ए की वैल्यू सेट होगी, एक इसमें तक 10 था और बी में 20 था, तो एक्स की ए के थ्रू एक्स सेट हो गई, बी के थ्रू वाई सेट हो गया, तो एक्स में आया 10 और वाई में आया 20, तो यहाँ पे शो करते हैं 10, 20। फिर देन हमने एक फंक्शन कॉल किया s डॉट
शो एक्स वाई, तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, तो दिस इज आउटपुट में आएगा x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20। सो बेसिक प्रोग्राम था, बट समझने वाली बात यह थी कि कंस्ट्रक्टर के साथ अगर आर्ग्यूमेंट्स रहते तो उसे कहा जाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये तो सेकेंड टाइप था कंस्ट्रक्टर का, पहला टाइप था डिफॉल्ट, सेकेंड था पैरामीटराइज्ड और थर्ड है कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।